हेलो एवरीवन, मैं वापस आई हूँ अपने एक वीडियो के साथ। और इस बार मैंने क्या ट्राई किया है, आप देख ही सकते हैं, लाइक वायरल बर्ड सीनरी पेंटिंग। अगर नहीं देखा होगा आपने तो आप ट्राई करना, और सर्च भी कर सकते हो टिकटॉक वायरल बर्ड सीनरी पेंटिंग। और इसे मैंने थोड़ा डिफरेंट करने के लिए चॉक पेस्टल्स से किया है, और पहली बार मैंने बनाया है चॉक पेस्टल से, पर ये बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ एंड इट्स रियली प्रेजेंटेबल। हाँ, मैंने थोड़ा पुराना चॉक पेस्टल यूज़ किया है, आप देख ही सकते हैं उसके कवर्स थोड़े से फटे चटे हुए हैं एंड पेस्टल्स भी टूटे हुए हैं, बिकॉज मैं ऐसे एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट थी। सो मैंने ये कॉलेज में ख़रीदा था फर्स्ट ईयर में, इट्स बिन 7 ईयर्स नाउ और मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, और फिर भी ये ख़त्म नहीं होता यार। बहुत ही बढ़िया है, मुझे तो लगता है अभी मैं 10 साल और यूज़ कर सकती हूँ। हाँ, ये विजिबली थोड़ा अच्छा नहीं लगे क्योंकि टुकड़े तो और टुकड़े ही होंगे ना, बट येस आई एम गोइंग टू यूज़ इट। और आप तब तक मेरा वीडियो देखो, कैसे मैंने कलर को ब्लेंड किया है यूजिंग माई फिंगर। यूजुअली लोग फिंगर यूज़ करते हैं व्हेन यू टॉक अबाउट चॉक पेस्टिंग, और मैंने भी वही किया है। बहुत ही अच्छा प्रोसेस था, बहुत ही इंटरेस्टिंग, और ऊपर से आउटकम अगर अच्छा हो ना तो आपको इंटरेस्ट आ ही जाता है। और मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेकर आ रही हूँ, मेरा फर्स्ट ट्रायल यूजिंग वाइट पेन और यूजिंग द चॉक पेस्टल्स, नाउ नेक्स्ट टाइम आई विल बी यूजिंग वैक्स पेस्टल्स, और बहुत सारी चीज़ें पोस्टर कलर। मेरे पास पोस्टर कलर्स भी रखे हैं जो 6 ईयर्स पुराने हैं, और वो भी मैंने फर्स्ट ईयर में लिया था अलोंग विद दिस चॉक पेस्ट, और वो अभी भी यूज़ हो सकता है अगर मैं ट्राई करूँ तो। थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स कर सकते हैं, उसे छोड़ सकते हैं, और इट वुड बी रेडी टू यूज़। तो मेरा वीडियो लास्ट तक देखो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर कर सकते हैं, एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।